जी आप सबका स्वागत है सावित्री जी की रसोई में। आज मैं बना रही हूँ आलू समोसा पट्टी रोल। उसके लिए मैंने सारी सामग्री ले ली है। मैदा, उबले हुए आलू, नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, अजवाइन, हरी मिर्च और प्याज। ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा। मैदा, अजवाइन, नमक, रिफाइंड, दो से तीन इसके एकदम ऐसे मुट्ठी बंद हो रही है, तो हमें एकदम जैसा आटा लगाना है वैसा मिल गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा बनाएंगे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा टाइट। ये आटा बन गया है, अब हम इसको एक साइड रखते हैं। आलू, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, हल्दी, प्याज, चाट मसाला, गरम मसाला, आलू का डो बन गया है और हमें ऐसा इसको आकार देना है, रोल बनाना है इसका। पहले हमें ये देखिए इस तरीके से हमें रोल बना के रखने हैं। और मैंने धनिया का यूज नहीं करा है, आप धनिया भी डाल सकते हो, हरा धनिया। ये मैंने एक पेड़ा बना लिया है और अब हम इसकी एक रोटी बनाएंगे। ये देखिए मैंने एक रोटी बना ली है, अब हम इसको एक चकोर आकार देंगे। अब हम इन्हें साइडों से हटा देंगे। ये रोल बनाई है, उतनी ही हमें निशान लगानी है। और ये हमारा दूसरा, हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। और अब हम इसको और अब इसे हम पानी की सहायता से चिपकाएंगे। ये देखिए रोल बन गया है। तेल मैंने पहले ही चढ़ा दिया था और अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे रोल कितने अच्छे बने हैं, आलू समोसा पट्टी रोल। ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे बने हैं और बिल्कुल भी जरा सा भी खुला नहीं है कहीं से।